नमस्कार, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप अपने आलस्य की वजह से अभी भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाए हैं, या किसी कारण से अगर आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी अपनी डिटेल्स को सबमिट कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको सर्विस अनअवेलेबल दिखा रहा है, तो अब आप ये समझ लो कि वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कई बार वेबसाइट भी क्रैश हो जाती है। तो इसी वजह से आपको वो जो दिक्कत थी वहां देखने को मिल रही थी, और यही दिक्कत को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी आपको 2 महीने की राहत भरी खबर दी है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट से ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहां लगा रहा हूं, आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना। उनका कहना यह है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2023 तक थी, और 1 अप्रैल से आपका जो पैन कार्ड था वो इनऑपरेटिव हो जाता, लेकिन उन्होंने इस 31 मार्च की डेट को 2 महीने आगे बढ़ा दिया और अब 30 जून 2023 तक आपका जो पैन कार्ड है उसे आप आधार कार्ड से आराम से लिंक कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 महीने की छूट उन्होंने आपको दी है, इस बीच में भाई ध्यान से अपना पैन कार्ड लिंक करा लेना आधार कार्ड से, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो, वरना 1 जुलाई 2023 से जो आपका आधार पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने एक बात कही है कि 1000 रुपए का जो चालान फी है वो पे करके आप 30 दिन में दोबारा से उसको ऑपरेटिव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।